कैसी स्थितियां हैं और तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही हैं आज के इस दौर में, आज के इस परिस्थितियों पर क्या आप अर्ज करेंगे? सर्वप्रथम नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमन, वंदन, अभिनंदन और जेके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम और अब्दुल भाई आपका आभार। और थोड़ा सा डरी हुई हूँ, थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत डरी हुई हूँ जी। जो ये मौत का मौसम चल रहा है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं डर लगता है कहीं कोई ऐसा मंजर देखने को ना मिल जाए जिससे फिर से दल दहल उठे जी। सुबह सुबह हम सबकी आदत होती है, पहले क्या हुआ करता था कि जब हम सुबह उठा करते थे तो वो क्या करते थे कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, लेकिन अब क्या होता है, अब आंख खुलती है तो सबसे पहले आंखों के सामने मोबाइल आता है, सोशल मीडिया आती है, फेसबुक, व्हाट्सएप आता है। तो पिछले कई दिनों से ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ हुआ है कि जब भी फेसबुक व्हाट्सएप खोला है सुबह सुबह कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी के मरने की खबर आ जाती है, किसी अपने परिजन की, किसी अपने काव्य परिवार की, कभी किसी पत्रकार की, बहुत सारी ऐसे सूचनाएं सुनने को मिलती रहती है, मन से बहुत मन का हौसला टूट जाता है। तब चार पंक्तियां रखना चाहती हूँ उन सभी से जिनसे कहीं ना कहीं एहतियात बरतने में चूक हो जाती है, लापरवाही हो जाती है और कहीं ना कहीं जान से हाथ धो बैठते हैं, उनके लिए चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ। शुरुआत करती हूँ, स्वागत स्वागत आपका, कि सच्ची बात है कि एक बची आस को उजाड़ मत कीजिए, कि एक बची आस को उजाड़ मत कीजिए, बिगड़े समय से ही बिगाड़ मत कीजिए, बिगड़े समय से ही बिगाड़ मत कीजिए। और माना मौत जीवन का अंतिम है सत्य किंतु, माना मौत जीवन का अंतिम है सत्य किंतु, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 आभार। और चार और एक, चूंकि ये कार्यक्रम अर्ज किया है, मेरा मन है अब्दुल भाई जी, सभी को ये गजल समर्पित करना चाहती हूँ, समस्त देशवासियों को गजल समर्पित करना चाहती हूँ, बिना किसी भूमिका के मतला रखती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ हास्य व्यंग करने के लिए मेरे कविगण भाई सभी पर्याप्त हैं, क्योंकि सभी पतिगण हैं तो सबका अनुभव अपना अपना बताया है। अब मैं अविवाहित हूँ, मैं अपना मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं है जी। तो एक गजल रखना चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अनुभव तो उस व्यक्ति का होगा एकता जी जिसके साथ आप जुड़ेंगी जाके। स्वागत मतलब कि अपने अश्रु बना के मोती उम्मीदों का हार बना, अपने अश्रु बना के मोती उम्मीदों का हार बना, हालातों से लड़ना है तो संयम को तलवार बना, हालातों से लड़ना है तो संयम को तलवार बना। और एक सच्ची बात कह दी हो तो आगे शेर पर आप सभी की दाद मिले, सुनिए कि मातम चीखे रुदन कराहे दिल कर सुनेगा, कि मातम चीखे रुदन कराहे सुनकर दिल कमजोर न कर, तन की बीमारी से पहले मन को मत बीमार बना, तन की बीमारी से पहले मन को मत बीमार बना। और सुनेगा एक सच्ची बात कि सरकारें बनती मिटती है ये फिलहाल जरूरी है, सरकारें बनती मिटती है ये फिलहाल जरूरी है, मरने के इस बुरे दौर में जीने के आसार बना, आहा, 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 मरने के इस बुरे, इस बुरे दौर में जीने के आसार बना, जीने के आसार। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चूंकि ये बहुत पिछले 1.5 साल से ये स्लोगन सुन सुन के कहीं ना कहीं बोर हो गई हूँ और इस स्लोगन से बहुत तकलीफ होती है कि दो गज दूरी मास्क है जरूरी, और ये जो इंसान इंसान के बीच दो गज की दूरी आई है उसके लिए शेर कहना चाहती हूँ कि तन से दूरी रखने में तू मन से होना दूर नहीं, तन से दूरी रखने में तू मन से होना दूर नहीं, दिल से जुड़े रहे दिल ऐसा संबंधों का तार बना, क्या बात है, दिल से जुड़े रहे, दिल से जुड़े रहे दिल ऐसे संबंधों का तार बना। और ये शेर सुनेगा कि मंदिर मस्जिद बंद पड़े है मानवता ही जिंदा रख, मंदिर मस्जिद बंद पड़े है मानवता ही जिंदा रख, सही समय है छोड़ के नफरत दुश्मन को भी यार बना, सही समय है छोड़ के सही समय दुश्मन को भी यार बना। और इसका मक्ता कहती हूँ कि सब्र दवाई मदद भरोसा,
सब्र दवाई दबाई मदद मदद भरोसा। भरोसा हाँ फर्ज समझकर इतना कर। सब्र दवाई मदद भरोसा फर्ज समझकर इतना कर, कहे एकता फिर से अपने सपनों का संसार बना। अपने कहे सपना। एक हाँ वाह, कहे एकता फिर से अपने सपनों का सपनों का संसार संसार बना। बना। और अंतिम चार पंक्तियां इसलिए कहना चाहती हूं आप सभी को, क्योंकि स्वागत उन है। पंक्तियों की आज इस चैनल पर आज के समय में बहुत आवश्यकता है। पुरानी पंक्तियां हैं, पिछले वर्ष लिखी थी, लेकिन आज इस पटल जी जी पर पुनः पढ़ रही हूं कि संयम अनुशासन हिम्मत ईमान से हारेगा। जो लोग कोरोना से बहुत भयभीत हो चुके हैं, पहली लहर दूसरी लहर, और हाँ अब ये सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आ चुकी है, काफी अंदर से हम सभी भयभीत हैं। कहती हूं कि संयम अनुशासन हिम्मत ईमान से हारेगा, और एकता की कायम पहचान से हारेगा, और विविधता की कायम पहचान से हारेगा। और जरा सी त्याग तपस्या कुछ दिन हम कर लें, और जरा सी ओहो बस कुछ दिन हाँ। और जरा सी त्याग तपस्या कुछ दिन हम हम कर कर लें, लें, ये दुश्मन कोरोना हिंदुस्तान से हारेगा। क्या बात है। ये हाँ दुश्मन कोरोना बिल्कुल, बहुत अच्छा, हिंदुस्तान से शानदार शानदार, हारेगा। हिंदुस्तान से और हारेगा, बढ़िया, के बिल्कुल बढ़िया। कर्तव्यों के हवन कुंड में दहकर जीतेंगे। बस चार पंक्तियां अंतिम, कि कर्तव्यों कर्तव्यों के हवन कुंड में बहकर जीतेंगे। गंगा जल सा पर्वत पर्वत बहकर जीतेंगे, गंगा जल सा पर्वत पर्वत बहकर जीतेंगे। जीतेंगे। और कोरोना से जंग नहीं जीतेंगे सड़कों पर, भले ही चाहे लॉकडाउन हो ना हो, हमें एहतियात बरतनी है, सावधानी बरतनी है, लापरवाही से दूर रहना है, हाँ घर में रहना है। तब हाँ कहती हूँ कि कोरोना से जंग नहीं जीतेंगे सड़कों पर, कोरोना से जंग नहीं जीतेंगे सड़कों पर, हम यह युद्ध फकत अपने घर रहकर जीतेंगे। हम यह युद्ध फकत अपने घर अपने रहकर घर रह जीतेंगे। कर आप जीतेंगे। सभी का बहुत बढ़िया, बहुत, बहुत बस बढ़िया। मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी भी कोई भी हादसा होने से पहले आप सभी सतर्क रहें, क्योंकि हम बहुत हैं, हाँ जान है तो जहान है, और तभी ठीक है, संसार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार।